आपका बिजनेस चाहे कोई भी हो, अगर उसका टर्नओवर एक साल में 40 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सप्लाई करते हैं या फिर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर अपना सामान सेल करते हैं तब भी आपके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर आप चाहे 1000 रुपए का ही सामान सेल क्यों ना कर रहे हो तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। कुछ स्टेट्स में ये लिमिट 20 लाख रुपए है, जैसे कि हिल्स एरिया में आने वाले स्टेट्स उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा। इन स्टेट्स में अगर आप बिजनेस करते हैं और उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए को क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटो और जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं उसका एक प्रूफ होना चाहिए। जीएसटी नंबर के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। सो इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन जीएसटी नंबर अप्लाई करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक नया जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए आपको gst.gov.in पर आना होगा। इसमें आप सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। इसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे, इसमें आप चूज करेंगे टैक्स पेयर, इसमें आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, इसके बाद अपना नेम डालेंगे जैसा पैन कार्ड पर लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, इसमें आप एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको टाइप कर देना है, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा जो आपको यहाँ पर डालना है, और एक ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा वो आपको यहाँ डालना है, इसके बाद प्रोसीड। आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे, इसके बाद प्रोसीड करेंगे। इसमें आप अपना टेम्परेरी रेफरेंस नंबर डालेंगे और कैप्चा फिल करके प्रोसीड करेंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ डालकर प्रोसीड करेंगे। एक बार टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद आपके पास 15 डेज का टाइम होता है अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। एक्सपायरी डेट आप यहां देख सकते हैं, इस डेट को आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर एक्सपायर हो जाएगा और आपको फिर से जनरेट करना होगा, तो इसमें आप एक्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको ये सभी डिटेल्स फिल करनी होगी जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए। पहले आपको बिजनेस की डिटेल्स फिल करनी होगी, तो इसमें आपके बिजनेस का लीगल नेम आ जाएगा, पैन कार्ड आ जाएगा, इसमें आप ट्रेड नेम डालेंगे यानी जिस नेम से आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि आप अपनी शॉप का नेम डाल सकते हैं। इसके बाद आप कैटेगरी चूज करेंगे, आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आता है, जैसे कि पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप एक्सेट्रा। इसके बाद नीचे आपको एक रीजन देना होगा कि आप जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहते हैं। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप जीएसटी नंबर इसलिए लेना चाहते हैं कि आप ई कॉमर्स पोर्टल पर अपना सामान सेल कर पाए तो इसके लिए आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है इसलिए आपको एक नया जीएसटी नंबर चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर आपको अपना माल इंटर स्टेट सप्लाई करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, तो आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेंगे कि आपको जीएसटी नंबर क्यों चाहिए। इसमें आप डेट डालेंगे किस डेट से आपके बिजनेस में वर्क स्टार्ट हुआ है, किस डेट से रजिस्टर की लायबिलिटी बनी है वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपने अपने बिजनेस के पहले से कुछ और रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसे कि अगर आपने टिन नंबर लिया हुआ है तो आप टिन नंबर चूज करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट डालकर ऐड कर देंगे। अगर आपने कोई और रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं तो आप यहां सिलेक्ट करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट डालकर आप उसको ऐड कर देंगे। और अगर आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन पहले नहीं कराया हुआ है तो इसमें आप टेम्परेरी आईडी सिलेक्ट करेंगे, इसमें आप अपनी टेम्परेरी आईडी डालेंगे और यहां पर डेट सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसमें आप प्रमोटर, पार्टनर्स या प्रोपराइटर की डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि हमारे केस में है प्रोपराइटर, तो यहां पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, जेंडर चूज करेंगे, जिस पर्सन की आपने डिटेल्स फिल की है उसकी डेजिग्नेशन आप यहां पर डालेंगे, इसके बाद यहां पर उस पर्सन का पूरा एड्रेस फिल करेंगे, जैसे कि हमारे केस में है प्रोपराइटर, तो यहां पर प्रोपराइटर का पूरा एड्रेस फिल कर देंगे। इसके बाद आपको उस पर्सन का एक फोटो अपलोड करना होगा, अगर यही ऑथराइज सिग्नेचर ही है तो इसको आप यस कर देंगे। अगर बिजनेस में एक से ज्यादा लोग है, जैसे कि पार्टनर है, प्रमोटर्स है, तो आप एड न्यू पर क्लिक करके उन सभी की डिटेल्स यहां पर फिल करें
करेंगे, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको ऑथराइज सिग्नेचरी की डिटेल्स फिल करनी होगी, यानी वो पर्सन जिसके सिग्नेचर इस बिजनेस में चलते हैं। अगर आप प्रोपराइटर है तो आपको कुछ भी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है, आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके बिजनेस में कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो इसको आप यस करेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो इसको आप ऑफ रखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपने बिजनेस की प्लेस डालनी होगी कि किस प्लेस से आप ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपके बिजनेस की एक से ज्यादा प्लेसेस है, एक से ज्यादा जगहों पर आप बिजनेस करते हैं, तो जो आपका मेन ऑफिस है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसमें आप लोकेशन का नेम डाल सकते हैं या फिर आप मैप में भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आप सेक्टर, सर्कल या वार्ड चूज करेंगे। अपने बिजनेस की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल कर देंगे, जैसे की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जिस प्लेस पर आप बिजनेस कर रहे हैं इसका नेचर आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, आपने लीज पर ली हुई है, आपकी अपनी है या फिर आपने रेंट पर ली हुई है। इसमें आपको एक प्रूफ देना होगा, तो प्रूफ में आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, ओनरशिप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं या फिर आप रेंट और लीज एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ अपलोड करना है। इस जगह पर आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, जैसे कि अगर फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग हब है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, अगर ऑफिस या सेल्स ऑफिस है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, रिटेल बिजनेस है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास बिजनेस के लिए और भी प्लेसेस हैं तो इसको आप यस करेंगे और यहाँ पर उसकी डिटेल्स फिल कर देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपका बिजनेस एक से ज्यादा जगहों पर है तो आपको एडिशनल प्लेस वाले ऑप्शन को यस करना होगा और यहाँ पर आपको एडिशनल प्लेस की डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद कंटिन्यू। आपका बिजनेस क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स या सर्विसेज, वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। जस्ट आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके सामने सर्विसेज आ जाएगी। आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सर्विस कोड आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको टॉप 5 सर्विसेज ऐड कर देनी है जो आप प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप गुड्स का बिजनेस करते हैं तो आप गुड्स सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको टॉप 5 गुड्स या कमोडिटीज ऐड कर देनी है, जैसे कि अगर आप शूज का बिजनेस करते हैं तो जस्ट आप यहाँ टाइप करेंगे शूज। इसमें से आप चूज कर लेंगे किस टाइप का बिजनेस आप करते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपके सामने स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा, तो जितने भी पर्सन की आपने डिटेल्स फिल की है आपके सामने आ जाएंगे। जिसका भी आप आधार ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं आप टिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ऑथराइज सिग्नेचरी का नेम आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लेस का नेम डालेंगे। इसके बाद सबमिट विद ईवीसी पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डालकर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास gst.gov.in की तरफ से ये ईमेल आ जाएगा। इसमें आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी कंसेंट देंगे, आधार नंबर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर डालकर वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी यहाँ डालकर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपका ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। नीचे आप आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज भी देख सकते हैं और आपके सामने आपकी डिटेल्स भी आ जाएगी। ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है। एआरएन नंबर मिलने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आप सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप एआरएन नंबर डालकर सर्च करेंगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। एक बार एआरएन नंबर मिलने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपका जीएसटी नंबर जनरेट हो जाएगा और आप यहां लॉगिन करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ मामलों में वेरिफिकेशन में 1 से 3 महीनों तक का टाइम लग जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास ईमेल आ जाता है और उसको आपको सही करना होता है। एआरएन नंबर आपको इस तरह से मिलेगा, आपके पास ईमेल आ जाएगा और साथ ही आपको एसएमएस भी कर दिया जाएगा। ई केवाईसी के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर आपको एआरएन नंबर मिल जाएगा। एआरएन नंबर डालकर आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है, कौन कौन से स्टेप्स में ये अप्रूव या रिजेक्ट होगा वो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल कर दिया जाएगा। gst.gov.in पर आएंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इसमें अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। सो इस तरह से 2022 में आप एक न्यू जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते
करते हैं। आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।